तो कल के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे आप लोगों के, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बहुतों के लाइक जो टेस्ट थे वो उतने सेटिस्फाइंग नहीं थे, तो देखते हैं कि कहाँ पर है, देखते हैं मतलब लेट्स सी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, और जिन्हें समस्या आएगी वो जाहिर सी बात है उसका तो सोल्यूशन निकालेंगे। और आप देखोगे कितना आसान है, जो भी हमने पिछले हफ्ते किया था वो कितना आसान था, और इसे ये टेस्ट भी कितना आसान था, ये भी अभी आप देखेंगे। तो अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया कि हमें सेंटेंस का रूल क्या है ये थोड़ा सा देखना होता है। और अगर हम बात करते हैं बोलने की, तो जब वो साइकिल इतनी तेज हो जाता है कि हमें उस साइकिल का पहिया या किसी भी चीज़ का पहिया जब इतनी तेज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल पंखा ही क्यों ना हो, कि जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो बीच में से वो गैप खत्म हो जाता है। तो दिस इज वाई जस्ट कीप ऑन सेइंग, आई कीप ऑन सेइंग, मैं कहता रहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कोई भी करेगा, प्रैक्टिस से वो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बन जाएगी, और स्पीड जैसे ही आएगी तो वो दिमाग में ही सेंटेंस बनने, बोलने में समस्या होगी भी नहीं, पहली चीज। तो देखते हैं कहाँ तक गलती हुई है। अब पहला सेंटेंस है आ ई ए से खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रूल है वो सब्जेक्ट पास्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का लगना है, ठीक है। अब जब ये रूल लगना है तो क्योंकि मैंने बताया था होने के लिए यहां पर आप गेट का यूज करते हैं, जब कोई चीज बिकम होती है ना, हो जाती है, तो रूल है आपका सब्जेक्ट। हमें कैसे पता कि सब्जेक्ट कौन है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है कौन, तो हमें ढूंढना क्या है, कौन ढूंढना है। हम किससे पूछते हैं, हम इस होने से पूछते हैं, तो कौन हो रहा है, हमारे पास है एक सब्जेक्ट है जो हो रहा है वो है रमन, रमन। अब पास फॉर्म है, होने के लिए गेट था, तो गेस्ट गेट की पास फॉर्म क्या होती है, गॉट, तो रमन गॉट। अब वो हो क्या रहा है, वो हो रहा है घायल, तो उसके लिए जब भी इसके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो हमें वो पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, तो दैट इज इंजर्ड, रमन गॉट इंजर्ड। नेक्स्ट यहां पर भी यही है, इस सेंटेंस में भी यहां पर आ था और यहां पर ए है, तो जब आ ई ए यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, हम यूज करते हैं अगेन पास्ट फॉर्म वाले, प्राप्त कर रहा है, किसने किए प्राप्त, प्राप्त किसने किए, आई इज द सब्जेक्ट, प्राप्त करने क्या कहते हैं, अगेन गॉट, आई गॉट, और मैंने क्या प्राप्त किए हैं, 90% मार्क्स, 90% मार्क्स, कौन सी क्लास में, एन एन 10th। और ये 10th ऐसे ही लिखा जाता है, जो लोग इसके पीछे TH लगाते हैं, अब मुझे ये नहीं पता वो क्यों लगाते हैं। तो आज चलो खैर ये बात आ गई तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि रोमन में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, वो 1 2 3 नहीं होता, तो इसके बाद अगर आप TH लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 10th था, ताता थैया वाला नहीं है यहां पर। लाइक अगर बोले कि मैं आप को वोट देकर आया हूं, तो दैट मीन्स मैं आम आदमी पार्टी को वोट देकर आया हूं, मैं आम आप पार्टी को वोट नहीं देकर आया, मैं BJP पार्टी को वोट नहीं देकर आया, तो वहां पर उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, कि जब एक ही मीनिंग के दो हम यूज करते हैं। जैसे आपने क्या तो सुना होगा लोगों को, बट लेकिन, बट लेकिन मतलब क्या होता है, बट भी सेम है और लेकिन भी सेम है, तो आप क्या कह रहे हो, या तो बट बोल रहे हो लेकिन, लेकिन बोल रहे हो, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी इंग्लिश में, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वो बोल देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भी सुना भी ऐसे ही है, तो जो सुनकर बोली जाती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है, इसलिए आप सीख कर बोलोगे। थर्ड, अब यहां पर है ते हैं, तो ते हैं का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आपको प्रेजेंट फॉर्म मिलती है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, वो अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो रूल है यहां पर हम करवा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था गेट के यूज में, कि
कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, दैट मीन्स मैं खुद नहीं हूँ वहाँ पर, मैं किसी से वो काम करवा रहा हूँ, तो हम उसका रूल क्या लगाते हैं? तो अब यहाँ पर इसका जो रूल है वो रूल क्या होगा, हमें इस वर्ब से पहले लगानी है एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे गेट की फॉर्म लगानी है, और हमेशा यहां पर पार्टिसिपल फॉर्म पहले आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पर कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। ते है में जाहिर सी बात है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे कि आ ई ए में था कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन करवाता है? हम, सॉरी लोग, भारतवासी करवाते हैं। तो द इंडियंस, द इंडियंस क्या करते हैं, करवाते हैं। तो करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम गेट का यूज करते हैं। द इंडियंस गेट, अब सॉरी यहां पर एक गलती हो गई है, यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, क्षमा चाहते हैं। तो द इंडियंस गेट, अब क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो किसकी समय लिख रहा हूं, अपने घरों की। तो देयर होम्स, अब कब करवाते हैं, दिवाली पर। और जब भी कभी ओकेजन आता है तो वहां पर हमेशा हम ऑन लगाते हैं। तो ऑन, जैसे बहुत सारे बच्चों ने इन लिखा था, तो इन मतलब दिवाली में हो गया। अब इसके बाद है ने, तो ये भी आपको लाइक पिछले हफ्ते में ही कराया था, दैट इज लेट हम करेंगे, क्योंकि इस ने के लिए तो लेट होता है, और ओ के लिए जहां पर भी ने द आएगा वहां पर लेट है, और ओ के लिए वो पहले वर्ब आएगी। अब कहता है कि भैया ने दो, क्या ने दो, तैयारी करें। तो किसको कह रहा है, पता नहीं किसको, लेकिन लेट के बाद सबसे पहले जो भी सेकेंडरी सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, तो वो कौन है, लेट चिल्ड्रन, ये क्या हो गए हमारे सेकेंडरी सब्जेक्ट, क्योंकि जो करने दे रहा है वो कोई और ही है। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वर्ब। तो लेट चिल्ड्रन वर्ब क्या है, तैयारी करना, प्रिपेयर। अब तैयारी किसकी कर रहे हैं, किसी चीज के लिए तैयारी करें, तो उसके लिए छुपा है वहां पर, और के लिए का क्या मीनिंग होता है, फॉर। फॉर लेट चिल्ड्रन प्रिपेयर फॉर, किसकी तैयारी करेंगे वो, अब है ऑब्जेक्ट, एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, एग्जाम परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स बोल देते, एग्जामिनेशन होता है एक्चुअली में, लेकिन हम इसको छोटा बोल के कर रहे हैं एग्जाम। अब यहां पर भी यही है, ता है। अब ता है का रूल अगेन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर ता है, वहां पर ते है, और यहां पर ता है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट के साथ में लगाना होता है एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट। चलिए अब दोबारा इसी से पूछते हैं, हमने क्या देखनी है, हमें वर्ब देखनी है, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, जैसे ही कौन का आंसर आएगा हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन पढ़ता है, कमल, कमल वर्ब है, पढ़ने को कहते हैं स्टडी। अब यहां पर एक डिफरेंस है, स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है और रीड मतलब भी पढ़ना होता है, लेकिन स्टडी कब करते हैं और रीड कब करते हैं। तो स्टडी हम जब करेंगे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ता हूं, ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा, क्या का जब आंसर आएगा, तो मैं क्या पढ़ता हूं पता नहीं, बस यहां पर पढ़ता है, क्या पढ़ता है ये नहीं पता है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा, स्टडी, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों का मतलब ही होता है पढ़ना, और रीड में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है कि मैं अखबार पढ़ता हूं तो आई रीड न्यूज़पेपर, कहानी पढ़ता हूं आई रीड स्टोरी, बुक पढ़ता हूं कुछ भी, तो समथिंग विल बी देयर कि मैं, अब जस्ट लाइक बोर्ड पर कुछ लिखा है तो मैं बोर्ड को पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग द बोर्ड रीड्स। अगर ये कहना है कि बोर्ड पर कुछ लिखा है तो क्या कहेंगे आप, द बोर्ड रीड्स समथिंग, क्योंकि पढ़ने के लिए मैं हूं ना यहां पर, कुछ चीज है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। अब यहां पर क्योंकि स्टडी है, अब मुझे एस या ईएस लगाना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई ऐसी चीज जहां पर लास्ट में वहां पर ई आएगा, क्या किसका साउंड आएगा, ई का,
तो हमें क्या करना है, हमें ये y हटा देना है और इस y को i से रिप्लेस कर देना है और जोड़ना क्या है yes. Yes. तो हो गया स्टडीज। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि बताया नहीं है क्या पढ़ रहे हैं इसलिए स्टडी आया है। तो अब हमें बताना है कि वो कितने घंटे पढ़ता है स्टडीज फॉर टू आवर्स। जब भी हम कभी ऐसा समय बताएंगे जो कि घड़ी का नहीं है, दो घंटे घड़ी में नहीं बजते हैं, घड़ी में क्या बजते हैं 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, 9 बजते हैं, ऐसे बजते हैं, लेकिन घड़ी में 2 घंटे नहीं बजते कभी। तो कोमल स्टडीज फॉर टू और वहां पर हम लगाएंगे फोर, तो कोमल स्टडीज फॉर टू आवर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और मे के लिए है इन द डे इन अ डे। तो उम्मीद इस चीज की है कि शायद आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सारे ही सही थे, लेकिन फिर भी एक ये प्रैक्टिस का सेशन इसीलिए ताकि हम जो कर रहे हैं वो हमें आ जाए, हमें पता लग जाए कि हमारी गलतियां कहां पर थी। और अगेन जो प्रैक्टिस नहीं करता उसे चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं और जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए चीजें आसान होती चली जाती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जब एक कोमल सी रस्सी जब बहुत मजबूत पत्थर को भी काट सकती है तो ये तो फिर सिर्फ दिमाग को ही घिसाना है और जितना दिमाग घिसेगा उतना ज्यादा आएगा। तो इसके साथ ही मैं आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं ये रब कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओ यस, हमने वर्ब तो लिखी नहीं है यहाँ, तो वर्ब है सफेदी करवाना। तो द इंडियंस गेट देयर होम्स वाइट वॉश्ड, वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।